अभी टाइम हो रहा है 3 AM, मैं भी तैयार हूँ, वही पुराना 3 दिन से, आज अगर पहन लिया ये ड्रेस तो टोटल 3 दिन हो जाएगा। टेंशन मत लेना, दिल्ली जाके ये सब वॉश करने वाला हूँ। बाय द वे गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम फतेहपुर, या फिर कानपुर भी बोल सकते हो। नहीं, कानपुर नहीं बोल सकते, जब कानपुर है ही नहीं तब कानपुर क्यों बोलोगे। कानपुर यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है और यहाँ से दिल्ली 525 किलोमीटर। और एक चीज़, मैंने कल रात भर GoPro चार्ज किया था, दोनों GoPro, लेकिन बैटरी लगा हुआ था GoPro में और सब डिस्चार्ज हो गया। चलो फिर फटफट निकलते यहाँ से। यह है आज का दिन का पहला टोल, देखो कितना लेन है, टोटल 22 लेन से पूरा। इधर से तो बाइक जाएगा नहीं, मुझे सीधा ही जाना होगा। हाईवे का नाम क्या है इसका? हाँ, ये हाईवे का नाम लाइन, सफारी लाइन है क्या वो दिल्ली वाली? अच्छा, ऐसे कोई नाम नहीं है इसका? नहीं, हाईवे नाम है सब। ठीक है ठीक है। कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है। हाँ तो बस आगे जाओगे, आगे से बस यही गया है, यही तो रोड है। नमस्ते। टाइम हो गया 5:30, सो सुबह से लेके अभी तक 2 घंटा में मैंने राइड कर लिया 100 किलोमीटर। एक बहुत ही एक लंबा फ्लाईओवर मिला, मुझे उस फ्लाईओवर का नाम पता नहीं है, लेकिन वो पूरा कानपुर शहर को पूरा बाईपास कर दिया। अभी तक मैंने कवर कर लिया 4 स्टेट। पहला दिन था वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार क्रॉस करके यूपी घुसा था। कल पूरा दिन यूपी में था और अभी भी यूपी में हूँ। ओह शिट, बारिश आ गई, बारिश। इधर रुकने का कोई जगह ही नहीं है। अच्छा, एक ढाबा मिला मुझे, इधर रुक जाऊंगा, प्रधान ढाबा। 1 hour later, 1 घंटा होटल पर रुकने के बाद अब निकल रहा हूँ फिर से दिल्ली की तरफ। मेरा ये GoPro वाटरप्रूफ है, इसका वाटरप्रूफ कवर भी है, फिर भी मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ। बस एक ही टेंशन है, अगर बाई चांस पानी घुस गया और कुछ ख़राब हो गया तो मेरा पूरा ट्रिप बर्बाद हो जाएगा। अभी तो ट्रिप ठीक से शुरू भी नहीं हुआ है। सीधा भी जा सकते हैं, और मेरे नीचे ये सामने जो बोर्ड देख रहे हो आप लोग, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, इधर से भी जा सकते हैं। सो गूगल में तो सीधा दिखा रहा है, तो अभी फिर से मुझे नीचे जाना होगा। कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है सर। पुल के नीचे? पुल के नीचे मतलब पीछे, इधर साइड पे आना है। हमें सीधा आके इधर लेफ्ट ले लिया, थोड़ा बैक जाना है, और ज़्यादा नहीं, 100 मीटर लगभग। हाँ, और लेफ्ट साइड में जाना। ये कौन सा है? ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है। ये भी आगरा, वो भी आगरा। ना, एक्सप्रेस वे कौन सा है? दोनों एक्सप्रेस वे है। हर जगह दो एंट्री होती है सर, दो एंट्री दो एग्जिट, जो ट्रैफिक एक पर ज्यादा रहे तो एक ना डायवर्ट कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, थैंक यू थैंक यू सर जी। एक्सप्रेस वे इधर है? ठीक, थैंक यू। ओके, तो इधर से जाना है मुझे। जो फ्लाईओवर है उसका लेफ्ट में भी है, राइट में भी है। हाँ, दिल्ली दिल्ली कितना घुमाओगे मुझे, कितना घुमाओगे। अच्छा, इधर हैवी व्हीकल में घुस गया मैं। 118 देख लीजिए एक बार, मुझे भी याद नहीं है। ये कितना किलोमीटर की है सर एक्सप्रेस वे? 80। पेट्रोल पंप वगैरह मिल जाएगा? ओके सर, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, मुझे किधर जाना है अभी, सीधा जाना है कि लेफ्ट जाना है? फिरोजाबाद सेकेंड एग्जिट 76 किलोमीटर। गूगल गूगल, मुझे जाना है स्ट्रेट। क्या करूंगा मैं चिल्ला के कोई फायदा नहीं है। इसका जो स्पीड है मेरा बाइक का 80-85, इसके ऊपर जाएगा ही नहीं। तो मेरा जो नॉर्मल स्पीड हाईवे में होता है 80, यहाँ पर भी वही रहेगा। ये 88 किलोमीटर के स्ट्रेच में खाने पीने का कोई होटल नहीं है, पेट्रोल पंप भी नहीं है, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि ज़बरदस्त तरीका से बनाया है, ज़बरदस्त। ये एक एग्जिट पॉइंट है और मुझे जाना है आगरा, इसलिए सीधा आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, और 7 किलोमीटर बाद ख़त्म हो जाएगा। ये देखो 7 किलोमीटर। उसके बाद जो भी ढाबा मिलेगा मुझे वहाँ पर मैं घुस जाऊँगा। बहुत भूख लगा है मुझे, बहुत भूख लगा है। मेरा लेफ्ट का लेन जाता है आगरा की तरफ और मुझे जाना है सीधा। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, जल रहा हूँ मैं। इतना देर बाइक चला रहा था तो पता नहीं चला, और अभी थोड़ा फ़ोटो खींचने के लिए रुका था इधर। दिल्ली और 200 किलोमीटर बस। पानी चाहिए भाई, पानी चाहिए, पानी नहीं है। हाँ हाँ हाँ, यूट्यूबर हो?
काउंटिंग माइल्स। बहुत सारी सुविधाओं के साथ चलना पड़ता है, एक्सप्लोर की बात ही अलग है भाई। हाँ। इसमें एक्सप्लोर करना। और एक टोल प्लाजा, इसमें शायद पैसा देने का कोई जरूरत नहीं है। यमुना एक्सप्रेसवे पर आपका स्वागत है। वेलकम टू यमुना एक्सप्रेसवे। हाँ ठीक हो सके, टोल पर आराम करना, कोई प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम। वो जो मेरे सामने जा रहा है ना एक वैन, वो पुलिस का वैन है, तो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ इसलिए उन लोगों ने पूछा कि कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो लोग हेल्प कर सकते हैं। ग्रेट ग्रेट। बहुत ब्रेक ले लेके ड्राइव कर रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा ब्रेक ले लिया। भूख भी लगा है लेकिन खाने का कोई जगह नहीं इधर, तो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि मेरे पास अभी 2 या 3 चॉकलेट है, वो खाऊंगा, पानी पीऊंगा, चला जाऊंगा। सामने कहीं पे भी अगर ढाबा मिले उधर ही रुकूंगा और उधर जाके खाने वाला हूँ मैं कुछ ना कुछ। फिलहाल फिर से यमुना एक्सप्रेसवे में आपका स्वागत है। दिल्ली 197 किलोमीटर ओनली, अब मैं बोल सकता हूँ दिल्ली अब दूर नहीं। अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि काश काश मेरे पास एक स्पोर्ट्स बाइक होता तो मज़ा आ जाता। ये बाइक भी बढ़िया है, 80-90 के स्पीड कांस्टेंट मेंटेन करके चला पा रहा हूँ मैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे टोल प्लाजा, सुपर्ब। हम गलत लेन पर घुस गए, टू व्हीलर का लेन उधर है। मथुरा तक जाने से 70, अलीगढ़ 145, ग्रेटर नोएडा जी नोएडा ग्रेटर नोएडा बोलते हैं ना 205। दिल्ली का चाहिए सर। मेरा कोलकाता से लद्दाख, लद्दाख हाँ 5000 से ऊपर होगा। हाँ आना जाना, ठीक है सर चलते हैं, बाय बाय। याद सतावे से है मेरा रूप जिगड़ मादड़ गए आग लगावे से। मिल गया जलपान, इधर ही हम भोजन करने वाले हैं। चलिए ऑर्डर किया है राजमा राइस, प्राइस है 150 रुपीस, और ये पानी का बोतल 30 रुपीस। जो 20 रुपये में बाहर मिलता है वो यहाँ 30 थोड़ा महंगा है। खाना बढ़िया था, टेस्टी था, लेकिन पैसा ज़्यादा था इसलिए टेस्टी नहीं लगा मुझे तो मैं ये उठा लिया, मुझे दिया था खाने के लिए, अभी खाया नहीं तो बाद में खाऊंगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में तो ढाबा वगैरह था नहीं, खाने का कुछ दुकान ही नहीं है, लेकिन हाँ उधर कुछ भी नहीं है, साहिबाई पे है। तो वो एक्सप्रेसवे के बाद डायरेक्ट यहाँ आके रेस्टोरेंट मिला, और ये जो यमुना एक्सप्रेसवे है इसमें मिल जाएगा ढाबा। तो काफ़ी ढाबा है यहाँ से, 45 किलोमीटर आगे पड़ेगा, 20 किलोमीटर आगे पड़ जाएगा। और पेट्रोल पंप है 45 किलोमीटर आगे। भाई भाई टोटल 8 लेन है, 1, 2, 3, 4 और उस पार 4 लेन। पहला जो लेन है ये टू व्हीलर्स के लिए, दूसरा ट्रक्स, तीसरा और चौथा कार्स के लिए, और CCTV वगैरह लगाया हुआ है, जो कोई भी रूल्स तोड़ेगा उधर टोल बूथ पर जाके जवाब देना पड़ेगा। वैसे मुझे सीधा जाना चाहिए था लेकिन मुझे पेट्रोल भरवाना है इसलिए ये लेन पकड़ लिया। अच्छा इधर देखो क्या क्या फैसिलिटीज़ है, रेस्टोरेंट, फर्स्ट एड, मोटल, टॉयलेट, ढाबा, वर्कशॉप, पेट्रोल पंप। फुल कर दीजिए पेट्रोल। हाँ पेट्रोल। ये देखो रोड के दोनों साइड सील्ड है, बाहर से कोई भी कहीं पे भी घुस नहीं सकता। इस बार मैं सही जगह पे जा रहा था टू व्हीलर, इस बार इन लोगों ने मुझे ट्रक के लेन पर बुला लिया। ब्लैक क्लाउड्स, बारिश आने से एक ही प्रॉब्लम होगा, शेल्टर नहीं है यहाँ पे, जहाँ पे मैं रुकूँ मेरा ड्रेस चेंज करूँ ऐसा कोई जगह नहीं मिलेगा। बारिश बहुत ही तेज़ हो गई थी सो रेनकोट वगैरह पहनना पड़ा, अभी बारिश रुक गया है इसलिए सब सामान फिर से पैक करके डाल दिया अंदर। मैं जितना सारा बैग्स कैरी करता हूँ, जैसे टैंक बैग हो, सैडल बैग हो या टॉप बॉक्स, सबके अंदर एक बड़ा सा पॉलिथीन का बैग रखता हूँ मैं, टैंक बैग के अंदर ये दिया हुआ है, इसके अंदर सामान है मेरा। रेन कवर भी यूज़ करता हूँ, सो अंदर रहता है ये पॉलिथीन, ये बैग के ऊपर डाल देता हूँ रेन कवर। यमुना एक्सप्रेसवे यहाँ पर ख़त्म होता है।
थैंक यू विजिट अगेन। वाह व्हाट अ व्यू, देखो सामने मेट्रो जा रहा है। आज होटल बुक करने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर मेरा मामा रहते और मैं उनके घर पर रहने वाला हूँ। टाइम हो चुका है 3:30, अंकल का घर यहाँ से 53 किलोमीटर दूर है, तो गूगल बता रहा है कि 1.5 घंटा लगेगा। द नेक्स्ट डे दिल्ली पहुँच गया था मैं 5 बजे। कानपुर से लेकर दिल्ली तक रोड तो यार सुपर डुपर स्मूथ, फिर भी मैं लेट पहुंचा। दो रीज़न था, एक तो है बारिश और दूसरा रीज़न ट्रैफिक। सो ट्रैफिक नहीं होने से शायद मैं 4:30 बजे पहुंच जाता, नहीं और बारिश अगर नहीं होता तो शायद मैं 3 बजे तक दिल्ली पहुंच जाता। कोलकाता से लेके दिल्ली तक कितना खर्चा हुआ अप्रोक्सीमेटली हिसाब दे देता हूँ आप लोग को। अप्रोक्सीमेटली नहीं, एग्जैक्ट हिसाब मिल जाएगा आप लोग को। सो पहले बात करते हैं होटल्स की। होटल्स मुझे दो रीज़न के लिए चाहिए। पहला, रात को 4-5 घंटे सोनी है, और दूसरा रीज़न कैमरा वगैरह चार्जअप करना है बस। तो सस्ता होटल ढूंढने का ट्राई किया मैंने। सो पहला जो होटल बनारस का 532 रुपीज़, और अगला जो होटल है फतेहपुर में वो मैंने बुक किया 300 रुपये पर बेड। सो होटल में टोटल खर्चा हो गया 832 रुपीज़। और पेट्रोल मेरा टोटल लगा 50 लीटर, कहीं पे 73 रुपीज़ करके, कहीं पे 74 रुपीज़ करके। खाना और पानी मिला के पर डे मान लीजिए 250 रुपये करके आया। पानी में हर रोज़ 4 से 6 लीटर पिया राइड पर, इंक्लूडिंग ORS। सो टोटल जो मेरा खर्चा आया वो है 5,456 रुपीज़। और गाइस यहाँ तक अगर आप लोगों ने देख लिया तो यार कुछ ना कुछ तो अच्छा लगा होगा आप लोगों को, तो उस बेसिस पे एक लाइक तो बनता है। और सब्सक्राइब कर दो यार अगले वीडियोस के लिए। कोलकाता टू दिल्ली, इसको आप एक प्री ट्रिप बोल सकते हो 1600 किलोमीटर की। असली मज़ा तो यार अगले वीडियो से आने वाली है। सो गाइस ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो यार लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।